पूरी दुनिया पर कोरोना वायरस कहर बनकर छाया हुआ है। इस महामारी से निपटने के लिए भले ही सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी हो, लेकिन इस लड़ाई में हम सबको एक दूसरे के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाना होगा। कुछ ऐसा ही काम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बाबरपुर में श्री महाकाल रसोई करके दिखा रही है, जहाँ एक तरफ इस मुश्किल समय में लोग अपनों का भी हाथ छोड़ दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये रसोई कोरोना संक्रमित लोगों के घर घर जाके उन्हें मुफ्त में खाना दे रही है। श्री महाकाल रसोई को शुरू करने वाले अशोक शर्मा बंटी बताते हैं कि पिछले 5 दिनों से वो कोविड संक्रमित लोगों के घर घर जाकर खाना पहुंचा रहे हैं, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बंटी का कहना है कि जिन घरों की महिलाएं कोरोना संक्रमित हुई हैं, उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बाकी लोग भी खाने के लिए परेशान होते हैं, इसलिए हम कोरोना संक्रमितों के साथ साथ उनके पूरे परिवार के लिए भी खाना भेजते हैं। मतलब संक्रमित शख्स के परिवार में जितने लोग हैं, सबको खाना भेजा जाता है। वो हमने क्या रखा, जो कोविड पेशेंट हैं, जो घरों में हैं, वो परेशान हैं। अब जैसे बहुत से घर ऐसे होते हैं, एक घर के अंदर एक महिला है, वो दिक्कत हो जाए उसको, तो पूरे घर का खाना खाने की व्यवस्था जो है ना डगमगा जाती है। अब खाना कौन बनाएगा उनका घर के अंदर? तो ये देख के हमने अब खाने का ये रखा कि हमने पहले एक मैसेज बनाया। मैसेज के अंदर हमने सारी चीजें डाली कि हम 2 टाइम का खाना, दोपहर का और रात का हम खाना देंगे। लेकिन उसके लिए हम पहले क्या करते हैं कि उनसे उनकी जो पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू मंगवा लेते हैं, और लोकेशन भी मंगवा लेते हैं उनसे। लोकेशन से फायदा क्या होता है, जो भी लोग खाना बांटने जाते हैं ना, तो आसानी से वहां पहुंच जाते हैं उनके घर। बंटी ने बताया कि संक्रमित लोगों के घर तक पहुंचाया जाने वाला खाना बनाने के लिए उन्होंने कोई हलवाई नहीं रखा हुआ है, बल्कि वे लोग खुद मिलजुल कर खाना बनाते हैं। संगठन से जुड़े 10-15 जो लोग हैं, उनके घरों से ही रोटियां बनकर आती हैं। ये लोग खुद ही खाना संक्रमित लोगों के घरों तक भी पहुंचाते हैं। वहीं रसोई के काम को देखते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने भी उनकी तारीफ की थी और मदद का ऑफर भी दिया था। श्री महाकाल रसोई के मुखिया अशोक शर्मा बंटी ने ये भी बताया कि उनका ये ग्रुप हर साल श्री महाकाल के नाम से कांवड़ लाता है। पिछले साल जब कोरोना की पहली लहर आई थी, तब भी उन्होंने लोगों की मदद की थी। पिछले साल उन्होंने 51 दिनों तक अलग अलग जगहों पर जाकर जरूरतमंदों को खाने के पैकेट भी दिए थे। तब ये लोग औसतन 700 से 800 लोगों तक के खाने के पैकेट पहुँचा पा रहे थे। श्री महाकाल जी रसोई बाबरपुर से ही हमने शुरू करा। उस महाकाल जी रसोई के माध्यम से हमने 51 दिन लगातार भोजन बांटा, और डेली कम से कम 700 से 800 लोगों को भोजन जाता, जो लगातार 51 दिन। पिछले साल खाना सभी जरूरतमंदों के लिए था, लेकिन इस बार बंटी ने सोचा क्यों न कोरोना संक्रमित लोगों की भी मदद की जाए। बंटी ने बताया कि पिछले 1 हफ्ते से वो लोग यह काम कर रहे हैं। श्री महाकाल रसोई के इस नेक काम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऐसे ही लोग बनते हैं कोरोना वॉरियर्स। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।